तो भाई जस्ट अभी हम लोग यहाँ पे पहुंचे अपनी प्रॉपर्टी पे एंड यू वोंट बिलीव भाई यूके हो या मनाली पहाड़ों में जाम बहुत लगता है। जाम जरूर लगते हैं भाई। बस छोटी सी ट्रक करी है हमने और सारे थक गए। So welcome back again to हम तो मैं इंग्लैंड, मैं हूं गौरव, मैं हूं अवी। आज हम लोग निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट रोड ट्रिप के लिए और जो कि होने वाला है पीक डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि हमने आपको बताया था कुछ वीडियोस में कि हम लोग एक और ट्रिप का प्लान कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज ईस्टर हॉलीडे स्टार्ट हो चुकी है कल से और आज है सैटरडे, तो आज हम लोग जा रहे हैं हॉलीडेज पे। मतलब बैंक हॉलीडे है यार, चार दिन की, फ्राइडे और मंडे दोनों दिन छुट्टी थी, तो आज सैटरडे और हम निकल रहे हैं। हमारी तीन दिन की रोड ट्रिप है ये। yes. और पीक डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं और हमारे साथ है एक छोटू सा बेबी जिसको आपने हमारी वीडियो में भी देखा होगा। हाँ. आर्या, तो अभी उन लोगों को जाएंगे पिक करेंगे। और हम लोगों ने ना यूके मोस्टली कवर कर लिया लेकिन पीक डिस्ट्रिक्ट कवर नहीं किया है, तो इसलिए इस बार हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे रुकते हैं और अच्छे से वहाँ पे स्पेंड करते हैं अपना रोड ट्रिप और एपिक होने वाला है। आप लोगों को मजा आएगा। मैं इसी बात से खुश रहती हूँ जब सूरज निकल जाता है और वेदर अच्छा हो जाता है। कल बहुत तेज बारिश थी लेकिन आज बहुत बढ़िया सूरज निकल गया। बारिश, ओले और सूरज, सब कुछ एक साथ था कल। चलो निकले, अब हम निकल रहे हैं। बैग वैग हमने पैक कर लिए हैं, फिलहाल अपने फ्रेंड्स को पिक करते हैं और फिर हम लोग वही सुबह मैकडॉनल्ड्स का ब्रेकफास्ट करेंगे आज। तो देखते हैं, रीति रिवाज हमारे सेट है। चाय हमने रख ली है बढ़िया बना के रास्ते में, चाय और साथ में पार्ले जी बिस्किट वगैरह खाएंगे सर्विसेज पे रुक के। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। चले, लेट्स गो। हम लोग पहुंच चुके हैं नितेश सोनो के यहाँ पे। हेलो आर्या, क्या हाल है भाई? हेलो, सो वी आर रेडी फॉर लॉन्ग वीकेंड। यस आर्या, आर यू रेडी? अच्छा, हाई फाइव कर दे। हाई फाइव, हाइट देखना इसकी, टायर जितनी आ रही है। भाई अपनी बीवी को बुलाओ और यहाँ से निकले हम लोग। भूख लग रही है बहुत तेज की, भूख लग रही है, तो ऊपर नाश्ता तैयार है, पराठे तैयार है। मम्मा का है, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। चलो बेचारी को ऐसी बदनाम कर रखा है। अरे हम सात बजे से खड़े हैं यहाँ पे, पूरी रेडी है, अच्छे से कह रहे तैयार नहीं है। बस यही सामान है आपका? मैं क्या आधे रास्ते तक जा रही हूँ क्या? हम लोग आ गए हैं मैकडॉनल्ड्स अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि अपना ये रिचुअल है कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट करना है। बच्चे बाहर आके देखो कितने खुश रहते हैं, ये देखो डांस कर रही है यहाँ पे, डांसी डांसी हो रही है, डांसी डांसी, ओए होए होए होए, देखो बच्चे भाई साहब बाहर आके तो ऐसे खुश रहते हैं। तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया यहाँ से और अब हम निकल रहे हैं सीधा पीक डिस्ट्रिक्ट के लिए। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं विनेट पास। विनेट पास जो है वो बहुत ही अच्छी ड्राइव है पीक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पे आप ड्राइव करते हो और साथ में पूरे पहाड़ वहाड़ है। पहली बार जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं। मैं आज तक कभी गया नहीं हूँ वहाँ पे, काफी जगह में मैंने फोटोज देखी है इंस्टाग्राम पे। हाँ, रील्स आती रहती है, रील्स आती रहती है ना। और उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी पे जो हमने बुक करी है और वो भी बहुत अच्छी जगह है। दीदी कई कई जगह जो है ना वो इंस्टाग्रामेबल प्लेसेस होती है और बकेट लिस्ट में आती है कि आपने यूके में रह के ये चीजें नहीं देखी, तो फिर वो टिक बॉक्स करने हम विनेट पास जा रहे हैं। यस, चले आ रहे, चले, चलो सीट पे बैठो अपनी। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी लंबी। तो भाई फाइनली ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल चुके हैं और वेदर आज बहुत अच्छा हो रहा है। लकीली आज और कल हमें वेदर बढ़िया मिल जाएगा और मंडे को मेरे ख्याल से थोड़ी सी बारिश है, तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। और आज जहाँ पे हम जा रहे हैं ना, पहली बार ही हम इस जगह पे जा रहे हैं और बहुत एक्साइटेड है। और जो प्रॉपर्टी हमने बुक करी है वो भी बहुत ज्यादा मजेदार वाली है, उसमें भी हॉट टब है, क्योंकि हमारी वीडियोस देखने के बाद नितेश ने कहा भाई हॉट टब वाली प्रॉपर्टी लेनी है, तो भाई जाते ही अच्छा है, थोड़ी ठंड हो जाए रात में, थोड़ी ठंड हो जाए तभी हॉट टब का मजा है, वरना ना अगर गर्मी होगी ना बाहर तो हॉट टब का मजा भी नहीं होगा। कोई नहीं, मुझे यूके के वेदर पे भरोसा है। भरोसा, ये पहला बंदा है जो कह रहा है यूके के वेदर पे भरोसा, ठंड और बारिश हो ही जाए। अभी कल की बात है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी, धूप निकली हुई है,
बारिश ओले हवा तो समझ ही नहीं आ रहा था, पहने तो पहने गए, चश्मा पहन के जाए, रेनकोट पहन के जाए, भाई छाता लेके जाए, तुम, क्या करें? तुम तो सोच रहे थे, मैं तो भुक्त भोगी हूँ, मैं तो आर्य को घुमाने के लिए, तुम गए, मैं आर्य को घुमाने के लिए अच्छा निकला, पूरी धूप हो रखी, आर्य खेल रही है डक्स के साथ, अच्छा और हम दोनों भीग के, हम कहाँ जाए भाई, कोई जगह नहीं थी, बस स्टैंड पे खड़े हुए थोड़ी देर, बारिश चमाचम बारिश, और जूही को भी बुलाया तो अच्छा हुआ बारिशों का मौसम चला गया, अब दो दिन सही रहेगा, फिर होती रहे बारिश। गुनगुनाएंगी कहीं छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी, लंबी लंबी हम लोग पहुंच चुके हैं पीक डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क में, वो सामने देखो, वाओ ये सीनरी है यहाँ की, और अभी पहाड़ी रास्ता आ चुका है पूरा, लेकिन जो मेन जगह है ना विनेट पास, वहां जाने में अभी हमें आधा घंटा लगेगा, यहाँ से स्टार्ट हो गई है ड्राइव बढ़िया वाली, और काफी सारे लोग ना यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि नीचे छोटी छोटी नहर है, तो नहर के वहां पे ट्रैक करके जा रहे हैं, और रास्ते में बहुत ज्यादा कार पार्क पार्किंग लगी हुई थी, क्योंकि लोग ट्रैकिंग करते हैं यहाँ पे। ये पूरा पीक डिस्ट्रिक्ट का नेशनल पार्क है, आप देख रहे हो कितनी सारी पीक्स है सामने, पहाड़ ही पहाड़ है, कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा। हम लोग कॉफी के लिए बैठे हैं अब यहाँ पे आके बीच में रास्ते में, और इसको दिख गया यहाँ पे डॉगी, कैसे करते हैं बुला दो कैसे करते हैं डॉगी को, डॉगी कैसे करता है, बाय बाय। गाड़ी में बैठती बोर हो जाती है, बाहर निकलती है अपना खुश है। गाड़ी क्या चलती है गाड़ी हम यहाँ पे कैफे में बैठे हैं, बहुत ही ज्यादा प्रिटी कैफे है, और फाइनली हमें मिला है कॉफी मिल्क शेक। भाई यहाँ पर हमें कुछ कॉफी, कोल्ड कॉफी टाइप कुछ मिला है, ये कॉफी शेक है और वो है बिस्कॉफ वाला, तो देखते हैं कैसा टेस्ट आता है, ट्राई करो, ज्यादातर जगह पे होता नहीं है। हाँ अभी हम लोग जो पीक डिस्ट्रिक्ट की जो विनेट पास जगह है वहाँ पे जा रही है, लेकिन बीच में कैसलटन करके बहुत ही बढ़िया जगह आई है, बहुत भीड़ है यहाँ पे और मजा आ रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हो गई विनेट पास की ड्राइव, और रास्ता देखो यार यहाँ पे पहाड़ सामने, यहाँ पे ना वो सामने देखो पैराग्लाइडिंग हो रही है, ये देखो या। वो सामने भी लोग पहुंचे हुए हैं भाई, भाई यूके हो या मनाली पहाड़ों में जाम बहुत लगता है, जाम जरूर लगते हैं भाई, लेकिन ये व्यू देखो आप सामने, तगड़ा व्यू है। भाई दो तीन बार हम ना विनेट पास के ऊपर नीचे चक्कर लगा चुके हैं, कहीं पार्किंग ही नहीं मिल रही है, और आगे पूरा जाम लग गया है सामने, मैं तो भाई बिस्किट का पैकेट खा रहा हूं ये भाई, ये अब ये कहां लेके आएगा भाई इतनी बड़ी। ओ भाई फाइनली पौने घंटे बाद जाके पार्किंग मिल गई है हमें, और यहाँ पर भी पता नहीं पार्किंग है या नहीं है, बट लाइन से गाड़ियां लगी हुई है, तो हमने भी लगा दी है, पीली पर्ची आएगी तो समझ जाएंगे, वहां पर लाइन से भाई पीली पर्ची आई हुई थी सबकी, 35 से ज्यादा ही होता है, ज्यादा होता है 60 पाउंड, तो होपफुली हमारे पे नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ऐड कर लेंगे 35। और यहाँ का भी व्यू काफी अच्छा है, इतनी देर बाद पार्किंग मिली है हमें, पौने घंटे से पार्किंग ढूंढ रहे थे, और यार यहाँ पे ना देखो एक तो बैंक हॉलीडे, साथ में सनी वीकेंड, तो ना ऐसे मच्छरों की तरह बाहर निकल जाते हैं लोग, तो कहीं पर भी जगह नहीं मिलती है। रास्ते में गौरव आते थे, बोल रहा था अरे तुम लोग तो यही रहते हो, तुम क्यों आ रहे हो घर के बाहर, घर के अंदर बैठो, जो यहाँ पे रहते हैं लोग वो तो घर पे बैठने चाहिए ना भाई, टूरिस्ट आए हैं उनको घूमने तो थोड़ा सा, और क्या हम इतनी दूर से आए हैं, यहाँ के लोग भी साइकिलिंग पे निकल गए हैं अपना, जगह सारी यहाँ पे सुंदर है, देखो सारे ट्रक करके आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं वहाँ सामने केव है, एक कॉफी शॉप है, और ऊपर जाके वहाँ पे बैठेंगे कहीं चाय वाय पियेंगे, आ जाओ, आ रहे अपने आप आपे आपे आओ आपे आपे, यस यस।
Yes. अभी हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं ऊपर, और मैंने देखा वो सामने भी लोग वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बस छोटी सी ट्रैक करी है हमने और सारे थक गए यहाँ पे। हर किसी का पता चल गया कौन कितने पानी में, कौन गिन जा रहा है। मैं बस चलते चलते यहाँ तक आया था और मैंने जरा सा आगे देखा, फोटो शूट करवाने के बाद ऐसी जगह पे आके अगर चाय नहीं पी तो फिर क्या किया। तो जो चाय पीता है उसके लिए तो जन्नत है, जन्नत है। ऐसी जगह पे चाय तो भाई बनती बनती। हम लोग चाय अपनी लेके आए हैं, दूसरों को मैगी का ठेला ही खोल देता है। हम लोग अपने पार्ले जी लेके आए हैं साथ में। मैं तो शॉट लेने गया था। अरे भाई इसको ना जानवरों से बड़ा प्यार है, देखना कैसे करती है शीप। मैं यहाँ पर ना हमेशा ऐसे विलेजेस में, छोटे छोटे विलेजेस में आप लोकेशन लोगे ना जहाँ एयरबीएनबी होते हैं वो बहुत ही बढ़िया रहती है, और ये भी हमने बहुत ही सही जगह पे बुक करी थी। अभी जाके देखते हैं, फोटोज में तो अल्टीमेट लग रही थी और लकीली मिल गई हमें ईस्टर हॉलीडेज पे, जो मिलती नहीं है। ऑब्वियसली पीक डिस्ट्रिक्ट के सेंट्रल में तो नहीं मिलेगी, वहां पे ज्यादा होती भी नहीं है लोकेशंस एयरबीएनबी भाई। मतलब ये थोड़ी सी दूर है वहां से, अराउंड 40 मिनट्स की ड्राइव थी ये वाली, तो बस पहुंचने वाले हैं। तो भाई जस्ट अभी हम लोग यहाँ पे पहुंचे अपनी प्रॉपर्टी पे, एंड यू वोंट बिलीव कि ये क्या प्रॉपर्टी है, अमेजिंग प्रॉपर्टी, क्या जगह है यार। मैं भी आपको दिखाता हूँ यार। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरे को कहीं जाना ही नहीं है, मेरे को बस यही छोड़ दो, मेरे को कहीं नहीं कुछ नहीं, पत्थर नहीं देखना। आज तो हमारी तो आंखें ऐसे हो गई भाई साहब। तो ये घर है हमारा जहाँ पे हम रहने वाले हैं, और सामने आप देख सकते हो ये प्राइवेट लेक है यहाँ पर। तो आप अपना यहाँ पे चाय वाय पियो, कॉफी पियो, बैठ के इसमें खेलो, वहाँ पे जाके रीले बनाओ, जो मर्जी करो,